गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग क्या सभी को आवाज़ आ रही है हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है सुन पा रहे हैं बताइए ये रिकॉर्डेड है क्या नहीं भाई रिकॉर्डेड नहीं है हम खुद सामने हैं चलिए गुड इवनिंग तो कल जो है क्लास वन चली गई है अपनी और आप जो है क्लास टू भी देख सकते हैं यहाँ से ठीक है क्लास वन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे बहुत सारे का मतलब नौ no, और काफी प्यारे प्यारे कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखे थे ठीक है और आज जो है हम क्लास नंबर टू में देखेंगे उसके आगे क्वेश्चन ठीक है कहाँ चले जाते हैं आप अपने ऑफिस कहाँ चलो भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऑल क्लियर है तो सवाल जरा एक बार देखिए सवाल आपके सामने कहा है ठीक है कल जो बुनियादी टर्म्स थे जैसे सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए थे और आप लोगों की क्लास की टाइमिंग में बता दूं तो अब से फिर से डेढ़ घंटे की आप लोगों की क्लास होगी पांच बजे से साढ़े छ तक होगी ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सिलेबस भी है जिसे कम्प्लीट करना है ठीक चलिए खुश रहिए सवाल को देखिए क्या बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज एटी ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन फाइन द प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है सवाल में बोला गया है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80 प्रतिशत है तो आपको लाभ बताना है कि आपका लाभ कितना प्रतिशत है बताइए चलिए तो सवाल में बोला गया है देखो सीपी जो है ना आपका यहां पर सीपी जो है वो 80 परसेंट है किसका सेलिंग प्राइस का यानी सीपी जो है 80 परसेंट का मतलब कितना होता है फोर बाई फाइव किसका है सेलिंग प्राइस का है आप समझ रहे हैं सीपी बराबर फोर बाई फाइव ऑफ सेलिंग प्राइस तो यहां पर हमसे अगर इस सेलिंग प्राइस को यहां पर लेकर चले आए तो हम बोलेंगे सीपी अपॉन एसपी का रेशियो फोर बटे फाइव का है प्रॉफिट कितने का होगा बताओ तो आपने कहा सर देखो चार के सामान को पांच में बेचते हैं लाभ कितने का एक का कितने के ऊपर चार के ऊपर तो एक बटे चार इंटू सौ एक बटे चार कितना होता है बताइए पच्चीस परसेंट काटेंगे तो कितना आएगा पच्चीस परसेंट का लाभ होगा बहुत अच्छे चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किसी किताब को अगर कोई व्यक्ति चार सौ पचास रुपए में बेचता है तो उसको बीस परसेंट का नुकसान होता है वह उसको कितने में बेचे कि बीस परसेंट का जो है उसको फायदा हो। सूरज राजपूत इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बात है आप सभी के पास आ, मेरे पास तो भी एक चीज थी दिखाने के लिए लेकिन राइट नाउ है नहीं कल आप लोगों को कुछ दिखाएंगे और सीधा लाइव दिखाएंगे आप लोगों को एस एस सी के हेडक्वार्टर से क्योंकि कल जो है हमारा आ, ये है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसमें जो है मुझे दिखाना है कि कौन सा पोस्ट हमने भरा है और क्या है क्या नहीं है कल शाम को पाँच बजे से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा एस एस के हेडक्वार्टर में है तो कल एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को वहाँ से बनाकर हम ज़रूर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि एस एस सी का हेडकोार्टर कैसे होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कैसे होते हैं और मैंने कौन सा पोस्ट भरा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस मेरी कौन सी है ठीक है तो ये काफ़ी खूबसूरत पल होता है इसके लिए काफ़ी सोचना विचारना पड़ता है इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अपने सभी यार मित्र से और जितने मेरे भाई लोग हैं जो कहीं पर प्रिवेंटिव में हैं ऑफिसर हैं मुंबई में कोई जो है गुजरात में प्रिवेंटिव ऑफिसर है कोई कहीं पर एग्जामिनर लगा हुआ है तो उन सभी से बात करने के बाद कि हाँ भाई तू बता तेरा डिपार्टमेंट कैसा है आप बताओ कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है कितना काम करना पड़ता है आगे क्या होते हैं प्रोस्पेक्ट अगर कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई तैयारी करे तो या जैसे आप लोगों को मुझे पढ़ाना है और टीचिंग मुझे कंटिन्यू रखना है तो मुझे कौन से स्टेट को चूज़ करना चाहिए वैकेंसी कहाँ पर होगी तो ये सभी बातों को लेकर डिस्कशन चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पोस्ट पढ़ते हैं पता चले कि इनकम टैक्स भर दिया और इनकम टैक्स जो है वो दिल्ली ना मिलकर मिल, मिल जाए केरला में या फिर साउथ uh, में किसी स्टेट में दे दे जहाँ से हम पढ़ा भी ना पाए तो ये बड़ा कष्ट हो जाएगा ठीक है तो इन चीज़ों को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा था और फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं अभी बताएंगे नहीं आपको कि कौन सा पोस्ट भरा है और कौन सा नहीं ठीक है तो इंतजार करेंगे फाइनल रिजल्ट का अभी अपने सवाल के ऊपर फोकस करते हैं तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी किताब को चार सौ में बेचा जाए हाँ बहुतों का ये डाउट रहता है कि सर आप टीचिंग कंटिन्यू करोगे या नहीं तो मेरे भाई ये मेरी शुरुआत है ठीक है और अगर ये सफर शुरू किया है ना तो खत्म करने के लिए नहीं इसको बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए तो टीचिंग हमेशा कंटिन्यू रहेगा इसकी चिंता मत करो ड्यूटी अपनी जगह है जो नेशन को सर्व करना है और आप लोगों को जो पढ़ाना है वो अपनी जगह है ठीक है चलिए जैसे आप लोग की क्लास पांच से साढ़े छह आज चलती है वैसे आप लोगों की क्लास पांच से साढ़े छह हमेशा चलेगी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सवाल में देखो तो बोला गया है यदि किसी किताब को आप चार सौ पचास रुपए में बेचते हो तो बीस परसेंट का नुकसान होता है आप कितने बेचे कि बीस परसेंट का फायदा होगा तो सबसे पहले बोलोगे सर देखो बेच कितने में रहे हैं तो बोलोगे सर बेच रहे हैं साढ़े चार सौ में और ये साढ़े चार सौ में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है आप बोलोगे सर नुकसान हो रहा है कितने का बीस का यानी ये कितने परसेंट का मान है तो ये जो है हमारे एसपी का मान है और एसपी कितना होता है एसपी हमारा यहाँ पर अस्सी है तो ये हमारे अस्सी का मान है हमें कितने में बेचना चाहिए कि 20% परसेंट का लाभ हो यानी 100% परसेंट हमें मिले तो मिले जरूर और साथ में 20% परसेंट और मिले यानी 120% परसेंट का मान हमें बताना है ठीक है 80% परसेंट का मान दिया है 120 का मान हमें बताना है 40 से काटिए दो बार में और 40 से काटिए तीन बार में दो से काटेंगे तो 225 बार में कटेगा 225 का तीन गुना कितना होता है छह जो होगा वो सही उत्तर होगा ठीक है बताइए कोई परेशानी की बात यहाँ पे चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सीजल का पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देख लीजिए बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आप आठ सौ रुपए में बेचते हो तो एक व्यक्ति को 20 परसेंट का नुकसान होता है लेकिन वो 20 परसेंट नुकसान उसके विक्रय मूल्य पर होता है सेलिंग प्राइस पर होता है उसे उस वस्तु को कितना बेचना चाहिए कि उसको 25% परसेंट का फायदा हो लेकिन कॉस्ट प्राइस पर थोड़ा सा सवाल को जो है टर्न करने की कोशिश की गई है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है आपको जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है बड़े प्यार से आप इस सवाल को बना सकते हैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन तरीके हो सकते हैं सवाल को बनाने के सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सवाल में तो आपको लॉस हुआ है लॉस कितने का हुआ है तो आप बोलेंगे सर 20 परसेंट का लॉस हुआ है 20 परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटे पांच आपको बड़ी बढ़िया तरीके से सवाल को पढ़ना है ये जो लॉस हुआ है ना ये सेलिंग प्राइस पर हुआ है यानी विक्रय मूल्य पर हुआ है और लॉस अगर सेलिंग प्राइस पर 20 परसेंट का है तो आप बोलेंगे सर ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है और ये मेरा क्या है ये मेरा लॉस है तो अगर ये लॉस सेलिंग प्राइस पर 20% परसेंट का है तो सीपी पर यही लॉस कितने का होगा बताएंगे क्रय मूल्य पर कितने का होगा तो बोलेंगे सर एक रुपए का लॉस कितने के ऊपर बताओ जल्दी से पांच का आपका सामान बेचा एक का वो जो था वो लॉस था यानी खरीदा कितने में था छे में तो आप ऐसे भी कह सकते हैं या यहां पर आप ये भी बता सकते हैं कि सर देखो पांच रुपये में सामान बेचा है एक रुपया का क्या है सर नुकसान है तो यहां से अगर कल मैं किसी बच्चे से बोलूं बताओ तुम्हारा सीपी कितने यूनिट है तो आप बोलोगे सर पांच का सामान एक का लॉस यानी मेरा सीपी जो है वो छ यूनिट है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे सवाल में बोला गया है किसी वस्तु को आपने आठ सौ में बेचा है ठीक है किसी वस्तु को आपने आठ सौ रुपए में बेचा है तो आपका लॉस जो है वो इतना परसेंट है सेलिंग प्राइस का तो जो आपने ये आठ सौ रुपए में बेचा है ये क्या है क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है मुझे ये बताइए क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है आप बताइए आप बोलेंगे सर ये विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस का मान कितना है पांच लॉस का मान कितना है एक सीपी का मान कितना है यानी वो जो आठ सौ रुपए दिए गए हैं ये आठ सौ रुपए जो आपको दिए गए हैं ये किसका मान है आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस का मान है ये पांच का मान है हमें किस कमान मान बताना है हमें सीपी का मान बताना है तो हम बोलेंगे ये सीपी का मान कितना हो गया छ हो गया यहाँ पे यानी पांच से काटेंगे तो 160 बार में और 160 को छ के साथ गुना करेंगे तो सीपी का मान जो है वो हमारा आ जाएगा नौ सौ साठ रुपए यहां ये छ यूनिट है और पैसे में बात करोगे तो ये सोलह छानबे नौ सौ साठ आ जाएगा कि भाई पांच का मान आठ सौ एक का मान एक सौ साठ ठीक है आ, सोलह पचे अस्सी तो सोलह छक छियानबे अब बोला गया है कि आप इस समान को कितने में बेचोगे कि आपको पच्चीस परसेंट का फायदा हो तो ये समान है इसको पच्चीस परसेंट का फायदा करवाना है यानी इसको इसके पांच बटे चार में हमें बेचना पड़ेगा ठीक है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो नौ सौ साठ है ना ये सौ परसेंट का मान है ये 960 सौ परसेंट का मान है मुझे 25 परसेंट का फायदा कमाना है यानी मुझे 125 में इसको बेचना पड़ेगा ठीक है 25 से काटेंगे तो चार बार में 25 से काटेंगे तो पांच बार में चार से काटेंगे तो 24 बार में और 24 पचे 120 यानी 1200 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट उत्तर होगा कि उस सामान को हमने कितने में बेचा है बारह में बेचा है ठीक है फिर से समझ लीजिए आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक एक बात को समझेंगे ठीक है आपका जो लॉस है ना वो सेलिंग प्राइस पर लॉस है यानी आप बोलेंगे देखो लॉस बराबर किस पर है सेलिंग प्राइस पर लॉस कितना है 20% परसेंट का 20% परसेंट को बोलते हैं एक बटे पांच यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है ये हमारा क्या है लॉस है ठीक है तो सीपी का मान यहां से कितना आएगा पांच में से एक जो है चला जाएगा जोड़ोगे यानी छह रुपए का सामान था एक के नुकसान में पांच में बेचे हैं। सवाल में जो ये आठ सौ रुपए दिए गए थे ना आप बोलेंगे सर ये जो आठ सौ रुपए है ये किसका मान है सर ये आठ सौ रुपए सेलिंग प्राइस का मान है पांच का मान है कितने का मान निकालना है छ का मान निकालना है मतलब हमें जो है वो सीपी का मान निकालना है अब आपका ये सीपी आ चुका है इसी सी इसी क्रय मूल्य को आप 25% परसेंट के लाभ पर बेचना चाहते हो यानी इसको जो है आप इसके पांच बटे चार में बेचना चाहते हो ठीक है कोई दिक्कत की बात या ऐसे भी समझ लो बोलोगे सर ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 परसेंट होता है हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है 125 परसेंट की वैल्यू बतानी है तो हम यहाँ पर 125 से गुना कर देंगे ठीक है कोई समस्या यहाँ पर कोई किसी को अलग तरीके से कोई परेशानी कि आप जो है ये अगर सौ का मान है तो इसको एक से आप गुना कर रहे हैं ठीक है तो कटम कोटाई खेल लो थोड़ा सा 25 से काटोगे तो पांच बार में जाएगा 25 से काटोगे चार बार में जाएगा पांच पांच से आपका चला जाएगा चार में एक बार दो इसको तीन बार में काटेगा और एक बार दो इसको चार सौ बार में काटेगा तो चार सौ इंटू तीन कितना हो जाएगा बारह सो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर कोई दिक्कत की बात चलिए अगला सवाल देखिए सीजल के मेन्स का क्वेश्चन है ठीक है सवाल बड़ा प्यारा है और बोला गया है जब किसी वस्तु को आप तीन सौ रुपए में बेचते हैं तो आपको उनतीस परसेंट का नुकसान होता है अगर आप उसको इक्कीस परसेंट पर बेचे तो कितने का फायदा हो देखो जब सवाल में आपको बोला गया होगा ना वहां पर सवाल में आपको दिया जाएगा वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये जो नुकसान है ये फायदा है ये सेलिंग प्राइस पर है अगर विक्रय मूल्य पर बोला जाएगा तो विक्रय मूल्य को लेंगे और अगर विक्रय मूल्य को नहीं बोला जाएगा तो हम खुद से ये समझ के चलेंगे कि जो हमारा नुकसान है या जो हमारा फायदा है वो विक्रय मूल्य पर नहीं क्रय मूल्य पर है जैसे यहां पर सवाल में सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है तो हम इसको लेके चलेंगे कि कितने का नुकसान हुआ है तो उनतीस का नुकसान हुआ है सौ में से उनतीस को घटाइए यानी ये कितने परसेंट का मान है ये इकहत्तर का मान है और आपको कितने का बताना है आपको इक्कीस का फायदा कमाना है यानी 100% में 21 ज्यादा कमाना है तो आपको 121% का मान हमको बताना है कोई दिक्कत की बात 71 से कितनी बार में कटेगा पांच बार में 121 पांच कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से 12 5 60 605 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है कोई दिक्कत की बात ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चंस में एक पॉइंट मेन था वो ये था कि आपका जो फायदा होता है वो किस पर होता है सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर इसीलिए आपको प्री में एक ऐसा सवाल दे दिया गया जहां पर बहुत सारे बच्चे 1250 उत्तर देते हैं लेकिन उनका उत्तर गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने ये लाइन पढ़ा ही नहीं था ऑफ इट सेलिंग प्राइस ठीक है आपको ये लाइन पढ़ना है अगला सवाल देखते हैं चलिए जब आप किसी सामान को चार सौ में बेचते हैं तो आपको 16 सही दो बटे तीन परसेंट का नुकसान होता है अगर आप उस सामान को 8 सही एक बटे तीन में बेचे तो आपको कितना फायदा हो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो होता है दो पॉइंट कि अगर हमारा रेट ऐसा देगा तो हम कभी सक्सेसिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे कोई दिक्कत की बात अब यहाँ पर जो है हमारा रेट ऐसा दिया गया है तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं रेशियो मेथड का और रेशियो मेथड से हम समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर सीपी और दूसरी बात आपको लिखना है यहां पर एसपी ठीक है उसके बाद देखिए सवालों में क्या कहा गया है बोला गया है पहले वाले समान को आपने लॉस पे बेचा है जब किसी आर्टिकल को आप 16 सही दो बटे तीन के लॉस में बेचो 16 सही दो बटे तीन कितने बराबर होता है एक बटे छ के यानी इतने के लॉस में बेचना है तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है और छे में से एक चला जाएगा तो पांच आएगा ये हमारा पहला रेशियो आ गया कोई दिक्कत की बात अब हमसे सवाल में क्या बोलता है उसके बाद हमसे सवाल में बोलता है अगर हमें उसी सामान को आठ सही एक बटे तीन के फायदे में बेचना हो आठ सही एक बटे तीन के फायदे में बेचना हो यानी ये किसके बराबर होता है एक बटे बारह के और फायदा है कि नुकसान है तो आप बोलेंगे सर फायदा है यानी बारह रुपए के सामान को कितने बेचना है बारह और एक तेरह में बेचना है तो बोला गया है बताइए वो समान कितने में बिकेगा मतलब होता क्या है आपको बोल दिया जाता है कि किसी समान को चार सौ अस्सी में बेचा तो इतने का नुकसान हुआ अब उसी समान को इतने में बेचोगे तो कितने में बेच पाओगे इतने परसेंट के लाभ पर बेचोगे आप एक बात बताओ मैंने आपको पहली क्लास में ही एक बात समझाया था कि, कि किसी भी सामान का क्रय मूल्य जो होता है वो सेम होता है कभी भी मूल्य नहीं बदलता प्राइस जो होता है वो सेम होता है यानी यहाँ पर हमारे सामने दो केस दिए गए हैं पहला केस छह से पांच का दूसरा केस बारह से तेरह का यहाँ पर सीपी छह है और यहाँ पर सीपी बारह है क्या एक वस्तु का दो अलग अलग मूल्य हो सकता है आप बोलेंगे नहीं सर नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता है मतलब अगर ये 12 है तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा और 12 बनाने के लिए इसको दो से गुना करना पड़ेगा जब ये रेशियो में है तो दो से दोनों साइड गुना होंगे यानी वाला कितना बन जाएगा वाला बारह बन जाएगा नीचे तो बारह था ही और पांच वाला कितना बन जाएगा पांच वाला दस बन जाएगा ये तेरह था ही ठीक है अब देखो अब क्या होता था कि पहले बारह रुपये के सामान को दस रुपये में बेचते थे अब उसी बारह रुपए के सामान को तेरह रुपए में बेचने की बात हुई है बोला गया था कि पहले आप कितने में बेच रहे थे चार सौ अस्सी में ठीक है और ये चार सौ अस्सी कितने का मान था तो पहले जितना हम बेचते थे यानी दस का मान था अब आपको कितने में बेचना है इतने के लाभ पे यानी अब आपको तेरह में बेचना है तो आपसे तेरह का मान पूछा गया है जीरो से जीरो खत्म आठ इंटू तीन इक्या के स्थान पे चार एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा आपको कभी भी ऐसा सवाल दे कि तुम किसी सामान को इतने के नुकसान में बेच रहे थे अब तुम इतने के फायदे में बेचोगे तो तुम कितने बेचोगे क्या बेचोगे कुछ नहीं करना आपको सिंपल उनका अनुपात लिखना है अनुपात में क्या करना है मूल्य को बराबर करना है इस बात को समझिए मूल्य आपका बराबर हो गया पहले समान को कितने में बेच रहे थे तो 480 वो 480 यानी ये 10 का मान था अब कितने में बेच रहे हो 13 में यानी 13 का मान बताना है 10 का मान दिया है 13 का मान बताना है बता सकते हैं कोई समस्या की बात नहीं है चलिए अगला सवाल देखिए बोला गया है पहले किसी वस्तु को नौ सौ नब्बे रुपए में बेचते थे तो तुम्हें इतने का लाभ होता था अब अगर इतने के नुकसान पर बेचोगे तो सामान कितने बेचोगे अब जल्दी से उत्तर बता दो मुझे लगता है सब उत्तर दे सकते हैं उत्तर बताइए सही आप लोगों को दे रहा हूं मैं दस सेकंड उत्तर बनाने के लिए जल्दी बताइए बहुत आसान आसान जो है वो यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग किया गया है आप उत्तर दे सकते हैं सेम अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया है देखिए आपको फायदा हुआ तो आप बोलेंगे सर ये मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है सर एस है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे कितने का फायदा हुआ ग्यारह सही एक बटे नौ ग्यारह सही एक बटे नौ का मतलब एक बटे नौ यानी नौ के समान को दस में बेचना है नौ सही एक बटे ग्यारह वो जाता है ग्यारह से लेकर दस समझ रहे हैं आप देखिए ग्यारह सही एक बटे नौ जो होता है वो बराबर होता है बट्टे में जितना है नौ है तो नौ आएगा और नौ सही एक बटे ग्यारह बट्टे में ग्यारह है तो ग्यारह आएगा यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है यानी आप नौ रुपए के सामान को एक का फायदा दस में बेच रहे हैं और यहाँ पर ग्यारह के सामान में एक का नुकसान दस में बेच रहे हैं आपका हमेशा कंसेप्ट क्या होता है सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस को बराबर करना आपको कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है तो आपको पता है कि मुझे जो है यहाँ पर इसको एक ग्यारह से गुना इनको आपस में गुना करना पड़ेगा यानी नौ को जो है हम ग्यारह से गुना करेंगे और दस को भी ग्यारह से तो यह निन्यानबे हो जाएगा और ग्यारह वाले को नौ से करेंगे और दस वाले को कितने से करेंगे नौ से करेंगे क्लियर है इसके पास 9 था तो 11 से दोनों हो जाएंगे और इसके पास 11 था तो 9 से दोनों हो जाएंगे अब ये भी निन्यानबे हो गया ये भी निन्यानबे हो गया और यहां पर कितना आ गया 10 इंटू ग्यारह आ गया और यहां पर कितना आ गया 10 इंटू नब्बे आ गया पहले आप सामान को कितने बेचते थे नौ में तो ये जो नौ था ये कितने का मान था देखना तो दस दस ये कितना दस यानी ये कितने का मान था 110 का अब कितने का मान बताना है अब यानी अब दस का मान बताना है 110 का मान दिया है 90 का मान बताना है जीरो से जीरो खत्म 11 से 9 बार में खत्म 9 इंटू नब्बे कितना होता है 810 होता है ऑप्शन नंबर सी होना प्यार है क्लियर है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नौ सौ नब्बे रुपए जो दिए गए थे वो इसका मान था और अब कितने का निकालने को बोला है नब्बे का निकालने को बोला है तो नब्बे का निकाल सकते हैं ठीक है मुझे सभी के कमेंट दिख रहे हैं परेशान मत होइए चलिए अगला सवाल हमसे बोला गया है जब किसी सामान को हम एक हजार पचास रुपए में बेचते हैं तो साढ़े बारह परसेंट का नुकसान होता है अगर हम उसको पच्चीस परसेंट पे बेचें तो हमें कितने रुपए का फायदा होगा बताइए सेम सवाल मेरे करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग करिए बताइए मेरे करने से पहले आप लोग इस सवाल को करिए बहुत होशियार बच्चे आप लोग कर सकते हैं ठीक है थीके? करो भाई करो जल्दी से बहुत अच्छे जब किसी वस्तु को आपने 1050 में बेचा है देखो यहाँ पर 1050 में बेचा है तो आपको नुकसान हुआ है साढ़े बारह परसेंट का आप उसको 25 परसेंट के फायदे पे बेचना चाहते हो तो आप उसको कितने बेचोगे तो आपने कहा सर यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी लिखेंगे कोई समस्या की बात यहाँ पे ठीक है उसके बाद क्या हो गया साढ़े बारह परसेंट का नुकसान साढ़े बारह मतलब कितना होता है एक बटे आठ यानी आठ में एक का नुकसान यानी आठ के सामान को हम सात रुपए में बेच रहे हैं ठीक है और फिर उसके बाद मुझे लाभ कितने का कमाना है पच्चीस परसेंट का पच्चीस परसेंट का मतलब होता है एक बटे चार यानी एक का फायदा चार के ऊपर तो चार के सामान को मुझे कितने बेचना है पांच में बेचना है ठीक है कभी भी किसी भी सामान का जो होता है वो क्रय मूल्य बराबर होता है चार और आठ जो है ये दोनों बराबर होंगे अगर यहाँ आठ है तो यहां भी आठ होगा आठ बनाने के लिए इसको क्या करोगे दो से गुना तो ये भी हो जाएगा आपका दो से गुना बराबर हो गया आप सामान को पहले कितने में बेच रहे थे एक हजार में बेच रहे थे वो कितने का मान है वो सात का मान है अब कितने में बेचने की इच्छा जाहिर हुई है तो पांच इंटू दो यानी अब दस में बेचने की इच्छा जाहिर हुई है सात से काटोगे तो सात एकम सात सात पच्चे पैंतीस डेढ़ में और सौ इंटू पंद्रह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा चलिए अगला सवाल देखिए सीएचएसएल का बड़ा ही शानदार सवाल है सवाल में बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आप आठ परसेंट के नुकसान पर बेचते हैं है, एक व्यक्ति ने आठ परसेंट की हानि पर एक लेख को बेचा अगर उसने इसे साढ़े दस परसेंट का पर बेचा होता तो उन्हें सैंतीस समझिए एक व्यक्ति ने आठ परसेंट की हानि पर एक लेख को बेचा अगर साढ़े दस परसेंट का लाभ बेचा होता अगर साढ़े दस परसेंट का अगर उसने इसे साढ़े दस परसेंट के लाभ पर बेचा होता तो सैतीस रुपए अधिक मिल रहे होते लेख की क्रय मूल्य ज्ञात करिए बड़ा प्यारा सवाल है ये सवाल सी एच एस एल में ही पूछा जा रहा है सीजल में भी पूछा जा रहा है ठीक है चलो तो यहां पर कहने का मतलब क्या है है कि अब ये सवाल आता है तो हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे इसको तो पहले हम सवाल के भाषा को समझते हैं सवाल में बोला गया है कि मान लो कि आप वो व्यक्ति हो ठीक है आप वो व्यक्ति हो और ये आपका नंबर लाइन है आप समझिएगा बीच में हमेशा याद रखना कि सीपी होता है यहां पर एक सेलिंग प्राइस जो फायदे में होगा और यहाँ पर दूसरा सेलिंग प्राइस जो आपका नुकसान में होगा सेलिंग प्राइस देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है सौ परसेंट का होता है कोई दिक्कत की बात बोला क्या है एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को आठ परसेंट के नुकसान पर बेचता है यानी सौ परसेंट जगह पर आठ परसेंट यानी बानबे परसेंट में बेचता है ठीक है और बाद में अगर वो व्यक्ति साढ़े दस परसेंट का लाभ कमाना चाहता है यानी सौ में साढ़े दस का लाभ कमाना चाहता है यानी उसको एक सौ दस दशमलव पांच परसेंट में बेचेगा तो पहले की तुलना में अब जो है उसे कितना अधिक मिलेगा तो सैतीस रुपए अधिक मिलेगा सैंतीस रुपये अधिक मिलेगा समझो किसी सामान का कीमत अपने आप में सौ होता है ठीक है पहले जनाब आठ परसेंट के नुकसान में बेच रहे थे यानी बानवे परसेंट पे बेच रहे थे अब जो है एक सौ दस दशमलव पांच में बेच रहे हैं कितने का अधिक फायदा हो रह 370 रुपए का तो आप मेरे बात को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आप मान लीजिए कि यहाँ 250 किलोमीटर पे हैं और आपको 110.5 किलोमीटर पे जाना है आप कितना किलोमीटर तय करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ का 8 किलोमीटर तय करेंगे हम और यहाँ का साढे किलोमीटर तय करेंगे यानी हम जो है 18.5 किलोमीटर तय करेंगे अठारह दशमलव पांच किलोमीटर लेकिन यहाँ किलोमीटर नहीं है ये तो परसेंट है यानी बानवे से लेकर एक सौ पांच बानवे से लेकर एक सौ दस दशमलव पांच तक की दूरी कितनी है तो बोलेंगे सर सैंतीस है? है तो जो ये सैतीस है वो इतने परसेंट की वैल्यू है कहा जा सकता है सर ये सैतीस इतने परसेंट की वैल्यू है और बोला क्या गया है सवाल में तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस बताने को कॉस्ट प्राइस का मतलब सौ परसेंट की मान बताने को तो सौ परसेंट का मान बता देंगे तो आपको इतना परीक्षा में आज के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपल ये देखना है कि मान लो मैं वो व्यापारी हूँ पहले मुझे का नुकसान हो रहा था अब मुझे साढ़े दस का लाभ कमाना है यानी मुझे अपने घर पे जैसे मानो मेरे को पहले का नुकसान हो रहा था अब साढ़े दस रुपए लाभ कमाने हैं यानी टोटल मुझे साढ़े अठारह रुपए कमाने हैं तो आप बोलोगे सर ये जो सैतीस रुपए है ये कितने की मान है तो सर ये साढ़े रुपए की मान है यानी इतने परसेंट की और क्या पता करना है कॉस्ट प्राइस प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है 100 परसेंट होता है तो 100 परसेंट का मान हम पता करेंगे प्रतिशत से प्रतिशत से खत्म हो जाएगा यहां से हटाओगे तो एक बार दस चला जाएगा सैंतीस का पांच गुना जो है वो इतना हो जाता है पांच से काटोगे दो बार में दो जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है ए फॉर आओ कभी हवेली पे ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए अब में आप लोग उड़ा देंगे कहा जाता है कि कब कभ कोई कभी किसी जब कोई लेख को दो सौ में बेचा जाता है तो तीन परसेंट की हानि होती है अगर आठ परसेंट का लाभ हासिल करना हो तो कितने में बेचा जाना चाहिए ठीक है तो दो सौ इक्यानवे में आपने बेचा है तो कितने की हानि हुई है आप मुझे ये बताइए तीन परसेंट की हानि हुई है यानी ये कितने का मान है ये कितने का मान है बताइए तीन परसेंट की हानि हुई है तो यानी ये कितने का मान है संतानवे का मान है और कितने का लाभ कमाना है आठ परसेंट का यानी हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा एक सौ आठ परसेंट में अगर तीन परसेंट का हानि है तो नाइन्टी सेवन का मान है आठ का लाभ कमाना है तो एक सौ आठ में बेचेंगे संतानवे से कितनी बार में काटेंगे तीन बार में तीन इंटू एक सौ आठ कितना होता है तीन सौ चौबीस होता है सी फोर कहो ना प्यार है कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे चलो अगला सवाल देखो एम का क्वेश्चन है देखो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना एकदम आप लोगों को उस पर एकदम राफेल से भी तेज भगाना सिखा दे रहे हैं कि आप राफेल से भी तेज आंसर निकालना सीख जाओ इसी वजह से हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और टैग लगे हुए क्वेश्चन कि आप देखो कि आपने सिर्फ कल एक क्लास अटेंड किया और आज आप इतने काबिल हो गए हो कि जितने भी एमटीएस के सीजीएल मेंस के सीपीओ के सीएचएसएल के सीजीएल के सभी सवालों को आप सेकंडों में उड़ा रहे हो तो ये एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब डेवलप होना शुरू हो जाता है ना तो उस दिन से ही आपका मैथ्स का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और उस दिन से आप बोलते हो भाई हो ना हो कुछ लेकिन अब तेरा भाई जरूर पढ़ेगा और इस बार तो सीजल निकाल के रहेगा और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है ठीक है रामानुजन आपका कमेंट आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है आई एम गेटिंग योर कमेंट ठीक है सवाल में बोला गया है जब किसी वस्तु को आपने 810 में बेचा तो 10 परसेंट का नुकसान हुआ कितने में बेचोगे कि 20 परसेंट का फायदा होगा तो जो ये 810 है ये कितने का मान है 90 परसेंट का कितने का फायदा जो है 10 परसेंट का नुकसान है मतलब ये 90 परसेंट का मान है अब कितने में बेचे कि 20 परसेंट का नुकसान हो यानी हमें 80 का मान बताना है जीरो से जीरो खत्म नौ से नौ खत्म नौ इंटू अस्सी कितना होता है बीस डी दिल मांगे मोर कोई दिक्कत की बात यहाँ पे चलो सवाल में देखो अगला ठीक है बोला गया है एक वस्तु को 15 परसेंट की लाभ पर 2070 में बेची जाती है यदि 1890 में बेची जाती हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें अब क्या होगा आपको सवाल उल्टा दे दिया जाएगा बोला जाएगा देखो इतना में बेच रहे थे तो इतने का लाभ था अब इतने में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा ठीक है जैसे बोला जाता था ना इतना परसेंट के लाभ पर इतने में बेचा गया अगर 20 परसेंट का लाभ होता तो कितने में बेचा जाता है एक ये सवाल बनता है और दूसरा क्या बनता है इतना परसेंट का मान इतना या इतना का मान इतना तो इतने का मान कितना तो आप जो है देखो जो आपका दो है ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है 2070 2070 आपका क्या है 2070 आपका सेलिंग प्राइस है और 2070 में सवाल में देखो यहाँ पर बोला गया है दो हजार, ये दो हजार ये कितने परसेंट का मान है आप बताओ तो आपका 15 परसेंट का लाभ है यानी ये 115 परसेंट का मान है आप ऐसे भी कह सकते हो देखेंगे यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो ठीक है आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर दो जो है ये कितने का मान है एक का मान है ठीक है और सवाल में बोला गया है कि अठारह सौ रुपए में अगर हम बेचे तो ये कितने परसेंट का मान होगा देखो अगर यहाँ 100 से ज्यादा जाएगा यानी उतने का लाभ है और 100 से कम जाएगा यानी उतने का नुकसान है तो आप बोलोगे सर दो हजार परसेंट का मान ठीक है थीखे? तो एक रुपया जो है वो कितने का मान होगा तो 115 बटे कितना दो ऐसे ही तो बोलते थे इतना टॉफी इतना रुपए में तो एक टॉफी कितने रुपए में फिर हमें कितने का मान पता करना है हमें जो है ठीक है हमें मान पता करना है 1890 का तो 1890 का मान पता करने के लिए एक का मान इतना है तो 1890 का मान पता करने लिए इसको क्या करेंगे 1890 के साथ गुना कर देंगे जीरो से हमारा जीरो खत्म नौ से काटेंगे तो इक्कीस बार में कटेगा और नौ से काटेंगे तो नौ दुनी अठारह ठीक है और नौ से तीन बार में कटेगा सत्ताईस तेईस से काटो यहाँ पर तो तेईस से पांच बार में कटेगा इक्कीस का पांच गुना कितना होता है 105 होता है 105 यानी 100 से कितना परसेंट ज्यादा है तो बोलेंगे सर 100 से 5 परसेंट ज्यादा है तो 5 परसेंट का फायदा होगा अब अपने परीक्षा में आपको ऐसे नहीं लिखना है आपको समझना है और आपको क्या लिखना है वो समझो देखो जो वैल्यू दो बार दी जाती है ना वो एक बार नीचे आती है एक बार ऊपर आती है सवाल में आपको बोला गया है लाभ हुआ है पंद्रह परसेंट का यानी एक सौ पंद्रह परसेंट और एक सौ पंद्रह परसेंट का मान कितना दिया गया है तो एक सौ पंद्रह परसेंट का मान सवाल में दो हजार सत्तर दिया गया है और कितने पर, कितने का वैल्यू पता करना आप ऐसे ही बोलोगे जो दो हजार सत्तर है वो एक सौ पंद्रह परसेंट का मान है दो हजार सत्तर एक सौ पंद्रह परसेंट का मान है मुझे कितने का पता करना है मुझे पता करना है कि अठारह सौ नब्बे कितने परसेंट के बराबर होता है इतने का मान 115 परसेंट तो इतने का मान कितना अब यहां से आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लोगे जीरो से जीरो खत्म फिर से नौ से दो बार में इक्कीस और नौ से तेईस बार में तेईस से आपका पांच बार में कटेगा तो यानी ये जो है एक परसेंट का मान है ठीक है सौ से जितना ज्यादा होता है लाभ होता है सौ से कम होता है नुकसान होता है तो ये पांच परसेंट का आंसर आपको ऐसे लिखना है कल के दिन मैंने मान लो बोल दिया किसी सामान को मैं 20 परसेंट में बेचता हूं तो मैं उसको एक सौ बीस रूपए में बेचा ठीक बेचता हूँ पंद्रह सौ रुपए में बेचता हूं तो मुझे लाभ होगा कि हानि होगा कितने का होगा बताओ तो आप बोलोगे सर बीस परसेंट का लाभ का मतलब ये हो गया सर कि उस समान को हम एक सौ बीस में बेच रहे हैं या एक सौ बीस परसेंट और एक सौ बीस परसेंट का मान सवाल में कितना है सर बारह सौ है कितने का मान पता करना है पंद्रह सौ का मान पता करना है तो पंद्रह सौ को गुना करेंगे बारह से बारह खत्म जीरो से जीरो खत्म जीरो से जीरो खत्म यानी डेढ़ सौ परसेंट और डेढ़ सौ परसेंट का मतलब क्या हुआ कि पचास परसेंट का जनाब आपको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है ठीक है 20 परसेंट के फायदे पर बेचते हैं तो 1200 में बेचते हैं या ऐसे बोल लो 1200 में बेचते हैं तो 20 परसेंट का फायदा होता है 1500 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का फायदा होगा यानी ये जो 120 परसेंट का मान सवाल में 1200 दिया गया है या 1200 का मान इतना है तो 1500 का मान कितना होगा डेढ़ सौ परसेंट कितना ज्यादा है पचास ज्यादा है ठीक है चलिए बहुत शानदार

तो रांची में थोड़े बहुत पहाड़ हैं समझ रहे हो मतलब रोड जो है वो थोड़े ऊंचाई ऊंचाई पर हैं तो पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था बहुत टाइम लग जाता था ठीक है अपना कोचिंग भी करना होता था क्लासेस भी करनी होती थी तो वहां पर क्या हो गया कि मैंने एक साइकिल खरीद लिया सेकेंड हैंड क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा होते नहीं थे घर से वही हजार पंद्रह सौ रुपए का महीना आता था तो छह सौ रुपए के करीब में मैंने एक साइकिल खरीदी थी सेकेंड हैंड साइकिल कि बस जो चल सके पैडल मारो ठीक है तो जो है साइकिल मुझे लेके जा सके कोचिंग तक और वापस कोचिंग से लेके आ सके तो सेकेंड हैंड साइकिल मैंने छे सौ में खरीदी और छे सौ में खरीदने के बाद सौ रुपए या दो सौ रुपये की सर्विसिंग उस समय होती थी मुझे जहां तक याद है मैंने साढ़े सात सौ रुपये में डेढ़ सौ रुपये में सर्विसिंग कराई थी तो मुझे साढ़े सात सौ की वो साइकिल पड़ गई आराम से जो है दो साल पढ़ाई किया बढ़िया स्कोर आ गया और बढ़िया स्कोर आने के बाद जो है अपने पीजी में थोड़ा ये हो गया मैंने बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया यार ये साइकिल बड़ी मेरी लकी है ठीक है इस साइकिल से मैं क्लास लेने जाता था ना तो बड़ा फायदा होता था ठीक है कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ ठीक है और सारे क्लासेस में इस साइकिल की देन है कि सारे क्लासेस में अटेंड कर पाया और आज ये नौबत थी कि मेरा 91.2 परसेंट ट्वेल्थ में था ठीक है तो उसके बाद जो पीजी में मेरे बाद जो बच्चे आए थे ना जो जूनियर्स थे उन्होंने आपस में रेट लगाना शुरू कर दिया कि इस साइकिल को हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे क्योंकि भैया का जो रिजल्ट आया है वो इसी साइकिल की वजह से आया है बस ऐसे ही हवा बन गई तो उसके बाद जो है वो साइकिल को बिकी कितने में साढ़े छह सौ की साइकिल में डेढ़ सौ का रिपेयरिंग लगा के साढ़े सात सौ हुआ और वो बिकी कितने में हजार में तो अब इसमें मुझे बताओ कि मुझे कितने का फायदा हुआ बताओ तो मुझे जो फायदा हुआ वो असल में ढाई सौ रुपए का फायदा हुआ ठीक है कहने को तो साइकिल 600 की थी लेकिन डेढ़ सौ रुपए तो और लगाए थे ना मैंने जेब से यानी साढ़े सात के समान पे ढाई का फायदा हमने कमाया तो हजार रुपए में हमने बेचा तो अगर मुझे कोई अब से पूछे कि मेरा प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ तो ढाई का फायदा हुआ कितने के ऊपर ढाई का फायदा 600 के ऊपर नहीं ढाई का फायदा साढ़े सात के ऊपर यानी एक बटे तो हम बोलेंगे सर तैंतीस सही एक बटे ठीक है डोली महतो कहती हैं रांची में छे सौ रुपए में साइकिल मिलती ही नहीं रांची देखिए डोली महतो शायद आप ग्राउंड से नहीं जुड़ी हुई हैं आप अभी दिल्ली में आइए आपको पांच सौ रुपए में भी साइकिल दिलवा देंगे ठीक है रीजन ये है ना कि वो साइकिल भी उस कंडीशन की होगी कि जिस पर आप बस बैठ के जा सकते हैं ठीक है जब आप जाएंगे एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल करके है आपका रांची शहर में आ, बहु बाजार से जो गली जाती है उस गली में जब आप जाएंगे तो एक छोटी सी साइकिल की दुकान है वहां पर आपको मिल जाती अगर आप सेकंड हैंड खरीदते तो फर्स्ट हैंड की तो बात ही नहीं कर रहे तीन हजार से कीमत शुरू होती है और कहाँ तक जाती है ठीक है तो ऐसे ही एक लड़का था जिसने बस कवाड़ी में बेच दिया था तो वहां से हमने लिया था चलिए तो ये कहानी समझ में आई कहानी से हमने कंसेप्ट को सीखा तो क्या होता है कि कल के दिन अगर कोई सामान आप लेते हैं आप उसके रिपेयरिंग पे खर्चा करते हैं और कहीं पर भी किसी भी सामान में कोई भी खर्चा करते हैं तो वो आपका क्रय मूल्य में जुड़ जाता है और क्रय मूल्य में जुड़ जाता है तो आप जो है वो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाता है ठीक है चलो तो सेम तरीके से विपिन ने बारह सौ रुपये का सामान खरीदा दो सौ रुपये खर्चा कर दिया तो आप बोलेंगे सर उसने खरीदा सामान कितने में चौदह सौ रुपये में ठीक है और उसने बेचा कितने में बताइए तो उसने बेचा उसको सोलह रुपए में अब आपसे बोला गया है लाभ बताओ तो कितने रुपए का लाभ या तो आप इनका रेशियो ले लो या ऐसे भी ले लो बोले कि सर प्रॉफिट परसेंट बताना है दो सौ का लाभ है कितने के ऊपर 1400 के ऊपर तो 280 सौ अस्सी बटे चौदह इंटू कितना हो जाएगा 100 जीरो से जीरो खत्म 14 से काटेंगे कितने बार में 20 बार में 20 प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर देखिए तो जैसे यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हैं अगर आप जो है इसको बेसिक से बनाते हैं बार बार तो आपका समय काफी बर्बाद होता है आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है कि 1400 है और यहां 1680 है असल में आपको जो अगर आप इनका अनुपात देखेंगे ना तो अगर आप इनका अनुपात यहीं से ले लीजिए ठीक है तो यहाँ पर जो है कितना अधिक है आप यह बताओ तो बोलोगे सर 28 अधिक है इसका 10 परसेंट चौदह होता है तो 20 परसेंट कितना हो गया अट्ठाईस हो गया तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हो सवाल में कितना तेजी में आप सवालों को सॉल्व करते हैं वो आपका अपना कैलकुलेशन डिपेंड कराता है जैसे यहां पर देखने वाली बात आप यहीं से सोच लेते कि यहाँ पर बढ़त जो हुई है वो कितने की हुई है अट्ठाईस रुपए की इसका परसेंट अगर चौदह है तो बीस परसेंट कितना होगा होगा तो ऐसे ही टिक मार देते सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ठीक चलिए तो अब अगला टाइप हम देखते हैं यहां पर टाइप नंबर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सी पी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइप है जहां पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर का सवाल हमसे पूछा जाता है तो सवाल को देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ठीक है सवाल में बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है मतलब जितना आपने पैसा लगाया और जितने में आपने बेचा उसका अंतर 360 रुपए है यदि लाभ जो है वो 20 परसेंट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा मुझे एक बात बताइए कोई भी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है वो उसका लाभ ही तो होता है जैसे मैंने मान लो किसी सामान को सौ में खरीदा और एक सौ में बेचा तो जो अंतर आया वो कितने का आया जो अंतर आया वो बीस का ही तो आया ठीक है 100 परसेंट का कोई सामान है और 20 परसेंट के लाभ पर बेचता हूं यानी 120 में बेचूंगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लाभ होता है या लाभ का परसेंट आप कह सकते हो वो होता है तो बोला गया है दोनों का अंतर 360 है यानी यहां पर जो 360 है वो कितने परसेंट का मान है तो वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर का, का मान है वो अंतर का मान है क्रय और विक्रय के अंतर का मान है और इनका अंतर ही लाभ परसेंट होता है और वो लाभ कितना है तो लाभ 20 परसेंट है यानी ये कितने का मान है ये 20 परसेंट का मान है ये 360 क्या है ये 360 साठ एसपी सीपी है बोलो और एसपी माइनस सीपी क्या होता है प्रॉफिट होता है यानी हम कह सकते हैं बीस का लाभ है ये उसके बाद हमसे बोला क्या गया है सेलिंग प्राइस कितने का होगा खुद सोचो 100% परसेंट का समान होता है और 20% परसेंट का लाभ है यानी हमको कितने परसेंट का मान बताना है हमको 120% परसेंट का मान बताना है 20 से काटेंगे 6 बार में 36 का गुना का दो सौ सोलह आएगा टू वन सिक्स जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ यहाँ पे चलिए बहुत अच्छे अगला सवाल देखिए एम का क्वेश्चन है पूछा गया है बहुत बढ़िया भाई चलो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट एक समान है एक आपका बल्ला है और उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर एक सौ अस्सी रुपए दे रखा है अगर लाभ बीस परसेंट का है तो उस बल्ले का सेलिंग प्राइस कितना होगा बता दो सेम तरीके से बोलोगे सर ये जो मुझे एक सौ रुपए दिखते हैं ना सर ये दोनों का अंतर है और दोनों का अंतर यानी लाभ कितने का होगा सर 20 परसेंट का हमसे पूछा क्या गया है सेलिंग प्राइस पूछा गया है यानी हमसे 100 परसेंट में 20 का लाभ ऐड करके बोला गया है तो हमसे 120 परसेंट का मान बोला गया है 20 से काटेंगे छह बार में अठारह छक कितना होता है एक सौ ए फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट उत्तर हो सकता है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ठीक है चलिए या तो रेशियो शुरू में ले लो देखो यहाँ पर रेशियो शुरू में ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप रेशियो से लेकर बनाना चाहते हैं आप रेशियो से लेकर बनाइए आपकी कोई दिक्कत नहीं है आप शुरू में रेशियो ले लोगे तो बाद में नहीं काटना पड़ेगा और बाद में ले लोगे तो जो है काटना पड़ जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए सवालों को देखिए जब कोई पंद्रह जब कोई वस्तु पंद्रह परसेंट का लाभ और सत्रह परसेंट की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में छानवे रुपए का अंतर आता है यदि दस परसेंट के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल पढ़ाया था कि एक बार क्या होता है कि मैं इस वस्तु को जो है हानि में बेचता हूं और एक बार क्या होता है कि इस वस्तु को मैं लाभ पर बेचता हूं तो जब हानि में बेचा था और जब लाभ में बेचा दोनों का अंतर कितना होगा तो दोनों का अंतर छियानबे रुपए दे रखा है जब हानि में बेचा था तो सत्रह की हानि थी और जब लाभ में बेचा तो पंद्रह का यानी पहले मुझे सत्रह का नुकसान होता था पंद्रह का फायदा होता है तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जोड़ेंगे तो जो ये 96 है ये 96 कितने का मान है तो पहले मुझे सत्रह का देखो मैं यहां पर हूं मान लो पहले मुझे सत्रह की हानि होती थी अब मुझे पंद्रह का लाभ होता है क्या होता है लाभ होता है मतलब मुझे यहां से यहां तक जाना है तो सत्रह जमा पंद्रह यानी या आप बोलेंगे सर ये बत्तीस परसेंट का मान है ठीक है मुझे पहले अपने सत्रह के नुकसान को भी भरना है और फिर सौ परसेंट का सामान पर तो होता है और दस परसेंट के फायदे पर बेचना चाहते हैं मतलब हम उसको एक सौ दस परसेंट में बेचना चाहते हैं ठीक है तो इतने परसेंट का मान दे रखा है एक सौ दस परसेंट का मान बोला है बत्तीस से काटिए तीन बार में 330 होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर मांगे इसमें सक्सेसिव सक्सेसिव लगा सकते हैं यहां कैसे लगेगा बताओ मंदबुद्धि वाले काम करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक है सक्सेसिव कहां से लगेगा ये बताइएगा जरा हमें किसने कहा है आपको सक्सेसिव लगाने को बताइए ठीक है तो ये जो छियानबे परसेंट है वो कितने का मान है छियानबे परसेंट जो है वो सत्रह और पंद्रह यानी बत्तीस परसेंट का मान है और हमें दस परसेंट के लाभ पर बेचना है यानी हमें एक सौ दस परसेंट का मान बताना है चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से अठारह अधिक शुल्क लेता है ठीक है यदि कोई ग्राहक डिजाइन डाइनिंग टेबल के लिए दस हजार दो सौ सात रुपए का भुगतान करता है तो उसे मूल कीमत का पता लगाएं क्या होगा जैसे मान लीजिए आप गए कोई फर्नीचर लेने ठीक है शादी वादी हो गई आराम से नौकरी वोकरी लग गई तो नौकरी लेने के बाद जो है आप तो पहले गरीबों की तरह रहते थे टूटा फूटा चेयर कुर्सी लगा लिया तो काम चल जाएगा लेकिन अब तो ऐसे नहीं रह सकते ना ठीक है तो अब अगर ऐसे राजवीर सिंह कह रहे हैं ऐसा रिपीट करिए राजवीर इसमें क्या रिपीट करना है ये बताइए मुझे राजवीर देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले आपको सत्रह परसेंट का नुकसान होता था और अब आपको 15 परसेंट का फायदा कमाना है मान लीजिए कि आपको जो है ना पहले सत्रह रुपए किसी को कर्ज देने थे आज आपको जो है उसको पंद्रह रुपए अधिक देने हैं तो आप उस व्यक्ति को कितना रुपए देंगे राजवीर बताइए पहले तो उसका सत्रह रुपए का कर्ज आप अदा करेंगे और फिर जो है पंद्रह रुपए आप अधिक देंगे यानी आप जो है उसको टोटल कितने रुपए देंगे बत्तीस वैल्यू देंगे बत्तीस देंगे ले भाई तेरा सत्रह रुपए का कर्ज माफ हो गया और मेरी तरफ से पंद्रह रुपए और ले ले यानी बत्तीस परसेंट तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे आपको देखो यहां पर मैंने नंबर लाइन पे बताया था ना आप यहां सीपी रखोगे एक एस पी यहाँ पर होगा दूसरा एस पी यहां पर होगा ठीक है यहां पर क्या होता है कि आपको 15 परसेंट सत्रह परसेंट का नुकसान होता है यानी आप सामान को तिरासी परसेंट में बेचते हैं कोई भी सामान अपने आपका सौ परसेंट होता है देखो ये सब मिटा रहा हूं कोई सामान अपने आपका सौ परसेंट होता है 17 के नुकसान में बेच रहे हैं मतलब तिरासी में अब उस सामान को हम कितने के फायदे में बेच रहे हैं पंद्रह के फायदे में यानी एक में तो पहले की तुलना में अब मुझे कितने का फायदा हो रहा है छानबे का फायदा हो रहा है यानी यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना है नाइनटी सिक्स है और ये यह रूपीज यहां से लेकर यहां तक परसेंटेज में देखो तो कितना हो गया तिरासी और एक सौ पंद्रह का अंतर कितने का हो गया बत्तीस का तो वही मैंने कहा था कि ये 32% का वैल्यू है और कितने का बोला गया है बोला गया है सेलिंग प्राइस कितने का होगा अगर उस सामान को 10% के लाभ पे बेचोगे तो 100% का सामान है 10% के लाभ पर बेचना है यानी मुझे 110% की कीमत बतानी है तो 32 से काटा तीन बार में तो 330 आ गया हमारा क्या था इस सवाल में कोई भी तो नहीं था कुछ सवाल में कुछ था ही नहीं चलो अब यहाँ पर सवाल को देखो जैसे मानो कि मैंने कहा था ना कि पहले आपकी जैसे मानो शादी नहीं हुई थी तो टूटे फूटे घर में काम चल गया फर्नीचर से काम चल गया अब आपकी थोड़ी बहुत नौकरी लग गई है शादी वादी हो गई है तो पहुंचे फर्नीचर की दुकान पे कि सर फर्नीचर दिखा दो फर्नीचर ले लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है फर्नीचर लेने के बाद जो है आपका दुकानदार जो है अठारह अधिक का बिल बना देता है बोलता है दस हजार दो सौ सात रुपए का तो फर्नीचर आएगा उसके अलावा अठारह परसेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा उसके अलावा 18% परसेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर नहीं नहीं दस हजार दो सौ सात का नहीं आपको ऐसा बोला गया कि देखिए सर ये फर्नीचर है और इस फर्नीचर की एक्स वाई जेड कुछ भी कीमत हो सकती है इसके अलावा आपको अठारह प्रतिशत आपको ब्याज देना है तो बोलिए आपके देखो सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है आप टोटल बताओ हमको आपको कितना पेमेंट करना है तो सर दस रुपया पेमेंट कर दीजिए ठीक है दस हजार दो सौ सात रुपए आपने उनको पेमेंट किया और वहां पर आप अपने घर चले गए बड़े प्यार तरीके से ठीक है घर जाने के बाद वहां पर आपको महसूस हुआ कि किसी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमको फर्नीचर कितने का पड़ा तो आप बोलोगे दस हजार दो सौ सात रुपए लेकिन अगला बंदा बोलता है भाई ये तो पैसा तुम्हारा टैक्स लगने के बाद है ना तुम खाली फर्नीचर फर्नीचर का कीमत बताओ फर्नीचर का कीमत कितना था अब ये कहानी को समझे तो आपने बोला हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है क्या बताए तो आपने कहा सर दस ये कितने परसेंट का मान था तो सौ का आपका फर्नीचर है अट्ठारह परसेंट का आपका उसके ऊपर ब्याज लगा है यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है ये 118 परसेंट की वैल्यू है कल के दिन अगर आपसे पूछा जाता कि कितने का टैक्स लगा तो आप इसको 18 परसेंट के साथ गुना करते क्योंकि टैक्स 18 परसेंट का लगा है लेकिन आपसे बोला गया आपका फर्नीचर कितने का था यानी आपसे सौ का मान आपसे पूछा गया है तो एक का मान दिया गया है और सौ का मान पूछा गया है आप बता सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अठारह पचानब्बे जो जो है है से बार बार में जाएगा और तीन बार में जाएगा जाएगा है, है? और कुटाई खेलो वन जीरो टू जीरो सेवन एक सौ अठारह का आपको आएगा आठ गुना ठीक है एट सिक्स फाइव जीरो बिल्कुल ठीक है और 8, 6, 5, 0, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं देखो यहाँ पर कट्टम कुटाई खेल लो देखो डिजिटल सम से लेके आओगे आठ और एक नौ हो जाएगा सात और दो नौ हो जाएगा, एक डिजिटल सम आएगा और आठ डिजिटल सम किसका है तो आठ छ चौदह चौदह पांच उन्नीस ऑप्शन नंबर बी जो है उसका डिजिटल सम पांच है देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं एकदम बच्चे वाला सवाल है दस हजार दो सौ सात रुपए कितने परसेंट का मान है एक सौ अट्ठारह परसेंट का मान है सौ परसेंट का मान बताना है डिजिट का सम खाली देखो कि सबको जोड़ो एक बार जोड़ा आपने तो देखा सात और दो नौ खत्म हो गए ऊपर कितना आया एक आया आठ और एक नौ खत्म हो गए एक आया इन कितना आया एक आया यानी इसका डिजिट का सम वन आ रहा है किस ऑप्शन का डिजिट का सम वन है ऑप्शन नंबर बी का डिजिट का सम वन है तो ये जो है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला टाइप देखिए टाइप थ्री। टाइप थ्री। चलो, टाइप थ्री, देखो, टाइप नंबर 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 चलो देखो में क्या कहा गया है एक स्टूडेंट कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए मोहित जी आपके कमेंट को हम तब से देखे जा रहे हैं बड़े प्यार से आप लिख रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए मोहित जी एक बात बताइए पहले शादी करते हैं कि सगाई करते हैं कभी ऐसा हुआ है कि पहले जो है शादी कर ली बाद में भूल गया अच्छा सगाई भी करना था नहीं होता है ना हर चीज का एक प्रोसेस होता है पहले शादी होती है फिर आपके नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं फिर उन बच्चों की शादी होती है पढ़ाई लिखाई होती है अलग अलग कहानी होती है ऐसा तो होता नहीं कि हाँ पहले शादी कर ली बाद में देखेंगे शगाई करनी है कि नहीं करनी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से है अभी अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं जल्दी किस बात की बड़े उतावले होते हैं आप लोग नया नया खून है अभी जस्ट ट्वेल्थ ट्वेल्व पास किया हुआ है इतना उतावलापन नहीं दिखाना है पेशेंस रखना है सभी चीजें समय पे मिलेंगी नहीं तो रिजल्ट बड़ा गड़बड़ हो जाएगा समझे अब तीसरा सवाल देखो जहां पर बोला जाता है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ऐसे सवाल क्या बनते हैं वो भी देखिए ठीक है तो सवाल बोला गया है आपसे कि पंद्रह वस्तुओं का लागत मूल्य दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कितना होगा ठीक है फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कि कितना होगा। सवाल में बोला गया है कि आप जाते हैं और आप पंद्रह सामान को खरीदते हैं तो पंद्रह सामान का जो लागत मूल्य है वो दस सामानों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो बताइए कितना होगा आपका लाभ या हानि बड़ा आसान सवाल है कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चे बच्चे भी इसका उत्तर दे देंगे देखो हर समान देखो पंद्रह सामान का क्या है पंद्रह समान का आपका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितने समान के विक्रय के बराबर है आप बोलेंगे सर दस समान के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी 10 एस के बराबर है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे कोई समस्या की बात पंद्रह समान का लागत मूल्य दस समान के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर सीपी का सीपी लिखेंगे एसपी आएगा तो एसपी लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर आप पांच से काटेंगे तो कितना अनुपात आएगा तीन अनुपात दो आएगा सीपी यही रहेगा एसपी इसके नीचे आएगा दो यहाँ पर हो गया और तीन उसके नीचे आएगा सीपी का कीमत दो एसपी का कीमत तीन तो आप बोलेंगे सर लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ है तो दो रुपए के सामान को तीन रुपए में बेचते हो फायदा कितने का एक का कितने के ऊपर दो के ऊपर एक बटे दो कितना होता है एक बटे दो 50 होता है ठीक है तो एक तो तरीका हो गया इस सवाल को देखकर बनाने का ऐसे और दूसरा तरीका क्या हो गया बिना पेन उठाए बनाने का हमेशा आज के बाद माय डियर इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने कहा जाए कि 5x एक्स बराबर सिक्स हो जब भी आपके सामने कहा जाए 5x एक्स बराबर सिक्स या ऐसा कोई इक्वेशन दे दे तो आपको समझना है कि x के साथ जो लगा है वो y की वैल्यू है और y के साथ जो लगा है वो x की वैल्यू है यानी जब भी ऐसा हो तो आप ये बोलेंगे सर x का मान 6 हो होता है और y का मान पांच होता है ठीक है कल के दिन अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक ग्यारह एक्स बराबर मान लीजिए तेरह वाई लिख दिया तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर x का मान तेरह और y का मान कितना होगा ग्यारह हो जाएगा ठीक है उससे क्या होगा हमारा एक स्टेप बच जाएगा जैसे यहां पर बोला गया पंद्रह सीपी बराबर दस एसपी तो आपको इसको कुछ नहीं करना था बोलते सर पंद्रह वस्तुओं का सीपी बराबर होगा कितने के दस वस्तुओं के एसपी के सर यानी सामान खरीदा दस में और बेचा पंद्रह में तो पांच का फायदा कितने के ऊपर दस के ऊपर एक बटे दो ऐसे ही पचास परसेंट आ जाता अब देखो अगला सवाल आप लोग पेन भी नहीं उठाओगे ठीक है अगला सवाल पेन भी नहीं उठाओगे मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा और सीजल का क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम सेकंडो मना दोगे चालीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी चालीस एसपी बराबर है कितने के आपको पचास वस्तुओं के ठीक है सीपी के यानी पचास वस्तु के किसके सीपी के बराबर है जीरो से जीरो काट दो कोई दिक्कत की बात नहीं सामान को बेचा कितने में है पांच में खरीदा कितने में है चार में कोई सामान को चार रुपए में खरीद के पांच रुपए में बेचते हैं कितने का लाभ होता है एक रुपए का कितने के ऊपर चार के ऊपर तो एक बटे कितना हो गया पच्चीस का फायदा क्लियर है यहाँ पर फिर से समझ लीजिए सीपी का मान कितना चार एसपी का मान कितना पांच फायदा चार रुपए के समान को पांच में बेचते हो एक का फायदा चार के ऊपर एक बटे चार कितना होता है पच्चीस परसेंट क्लियर है एकदम सवाल को देखते उड़ा देना है हवा में ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बाकी हल करना है तो आराम से लिखो सीपी लिखो एसपी लिखो सॉल्व करो ठीक है चलो अगला सवाल देखो बोला गया है पच्चीस वस्तु का जो है क्रय मूल्य तीस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए लागत मूल्य और ये कितना होगा देखो यहाँ पर ये जो पच्चीस वर्ड लगा हुआ है ये सीपी के साथ लगा है और ये जो तीस वर्ड लगा हुआ है ये आपका किसके साथ लगा है ये आपका एस के साथ लगा है तो आपको पता है कि जिसके साथ जो लगा होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है यानी हमारा सेलिंग प्राइस का दाम पचीस रुपए का दाम तीस रुपए यानी तीस रुपए में बेच रहे हैं नुकसान कितने का पांच का कितने के ऊपर तीस के ऊपर एक बटे कौन सा होगा सोलह सही दो बटे जो होगा वो आंसर होगा सोलह सही दो बटे जो होगा वो आंसर होगा नहीं यकीन है तो बना के देख लो बोलोगे सर 25 आर्टिकल का सीपी बराबर होगा कितने के सर तीस आर्टिकल के एसपी के मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग बिना पेन लगाए बिना पेन उठाए जो है आप बनाओ परीक्षा में क्या होगा मॉक टेस्ट में देखा अरे सवाल दो सेकंड में बन गया उड़ा दो बिल्कुल ताकि उससे बाकी क्वेश्चंस को बनाने में फायदा मिलेगा अब यहां पर चाहो तो आप इसको पांच और पांच से काट सकते हो पच्चीस को पांच से काटोगे तो पांच बार में कटेगा और तीस को काटोगे तो छह बार में कटेगा मैंने कहा सीपी का मान कितना छे एस का मान कितना पांच यानी छ रुपए के सामान को पांच में बेचते हो कितने का नुकसान एक कितने के ऊपर छ के ऊपर तो एक बटे कितना आएगा सोलह सही दो बटे तीन ठीक है तो इस तरीके से देखो इसमें टोटल तीन टाइप होते हैं जैसे आप जो टाइप नंबर थ्री पढ़ रहे हो ना इसमें टोटल तीन टाइप होगा थ्री ए फिर होगा थ्री बी और शायद चलकर आगे जो है मुझे लगता है थ्री सी भी होगा या तीन तीन भी ही होगा एक बार देख लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं तीन भी दो टाइप हैं एक तो टाइप में आपको ये बताता है कि आपको इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा ठीक है और दूसरा जो है वो आपको ये बताता है ठीक है कि आपका प्रॉफिट या लॉस अगर सीपी या एसपी पर हो तो आप कैसे निकालेंगे ये भी सवाल देख लीजिए कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस सी पर है कहने का मतलब क्या है इस सवाल को पढ़ने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा जो आपके पेपर में पूछा गया है सवाल में क्या दिया गया है वो देखिए बोला जाता है आपने दो वस्तुओं को बेचा कितने में बेचा आठ सौ रुपए में तो एक व्यक्ति को फायदा होता है पांच वस्तु के मूल्य के बराबर आपका लाभ कितने का है आठ सौ रुपए में दो लेख बेचकर एक व्यक्ति पांच लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है लाभ प्रतिशत है उसी तरीके से अगला सवाल बेहतर लेखों को बेचने से आठ लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ नुकसान प्रतिशत क्या होगा ठीक है तो एक जो है आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर आएगा और एक प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पर आएगा जैसे ये सवाल तैंतीस मीटर के कपड़े बेचने पर राधे को ग्यारह मीटर का फायदा होता है बताओ गेन परसेंट क्या होगा सबसे पहले ये सवाल बनाएंगे फिर बाकी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ज्यादा और क्लैरिटी मिलेगा आपके सामने ये है तैतीस मीटर का कपड़ा किसने बेचा राधे ने बेचा उसको ग्यारह मीटर के लागत मूल्य के बराबर का फायदा होता है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं आंसर करिए चलिए समय दिया आपको बहुत अच्छे से एक मिनट का समय दिया है उत्तर बताइए बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग उत्तर दे देंगे सारे बच्चे लगे पड़े हैं सवाल बनाने में बहुत अच्छे की पीटअप चलिए सवाल को समझिए मान लीजिए कि हमारे राधे भाई साहब हैं ठीक है राधे भाई साहब की मूवी जो है वो पिट गई है तो कपड़ा उपड़ा का दुकान कर लिया उन्होंने बोला सब मुंह माया है कपड़ा उपड़ा बेचेंगे जीवन चलाएंगे यही बढ़िया है तो कपड़े का दुकान किया उन्होंने कोई व्यापारी आया तो 33 मीटर जो है कपड़ा उनको बेच दिया उन्होंने और उसके जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनको 11 मीटर का फायदा हुआ है 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ है ठीक है तो असल में उनका जो लाभ है वो क्या होगा देखो व्यापारी कभी भी है ना तो अपने सामान के ही तुलना में वो देखता है कि उसको लाभ कितने का हुआ कितने का नहीं ठीक है जैसे मैं पांच किलो चावल बेचता हूं तो मुझे पता चलता है मुझे दो किलो के बराबर का लाभ हुआ है ठीक है ये दो किलो के सेलिंग प्राइस का लाभ हो सकता है या दो किलो के कॉस्ट प्राइस का लाभ हो सकता है जैसे मान लो मैं चावल बेच रहा हूं मैंने किसी को रुपए का या चालीस रुपए का चावल पचास रुपए में बेच दिया समझना चालीस रुपए का चावल पचास रूपये पचास तुम्हारा लाभ क्या है तो मैं बोलूंगा दो किलो चावल के खरीद के बराबर या दो किलो चावल के बिक्री के बराबर अपने लाभ को मैं इसी तरीके से दर्शा सकता हूँ या तो वो विक्रय मूल्य में होगा या तो वो क्रय मूल्य में होगा दोनों तरह के सवालों को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे दो तरीके होंगे हमारे पास सवालों को हल करने के एक होगा हमारा बेसिक तरीका और दूसरा होगा हमारा स्मार्ट अप्रोच तो अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आप देखिए तो बोलेंगे कि सर आपको जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है सर राधिका को सर 11 मीटर का फायदा हुआ है देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर गेन और गेन हुआ है तो कितने मीटर का हुआ है तो बोलेंगे सर 11 मीटर के सीपी के बराबर यानी 11 मीटर के सीपी यानी 11 सीपी ठीक है हर मीटर का दाम एक रुपए जैसे मान लो तो फायदा हुआ है ग्यारह मीटर के सीपी के बराबर गेन कब होता है जब आप किसी सामान के सेलिंग प्राइस से उसके कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो होता है लेकिन यहाँ पर आपने बेचा कितना है आपने बेचा है तैतीस मीटर का कपड़ा यानी आप बोलेंगे तैतीस एसपी आप बोलेंगे सर तैतीस एसपी बोलेंगे कितना तैतीस एसपी और आपने खरीदा कितना होगा भैया जितना बेचे होंगे उतना ही तो खरीदे होंगे यानी तैतीस मीटर बेचे हैं तो तैतीस मीटर खरीदे होंगे तो तैतीस एसपी में से तैतीस सीपी को घटाओ कितना आएगा ग्यारह सीपी आपको करना कुछ नहीं है बस आपको फायदा है तो फायदा लिखना है नुकसान है तो नुकसान लिखना है जितने का फायदा है उतने का लिखेंगे जितने का नुकसान है उतने का लिखेंगे और ये जो फायदा होगा ना ये फायदा बराबर होता है एसपी माइनस सी पी से ठीक है आप यहाँ पर 33 एस को रख दीजिए पर सामने कोई दिक्कत की बात नहीं है ये 33 ग्यारह के साथ जाके ऐड हो जाएगा यानी 44 फोर सीपी हो जाएगा ठीक है आप काटेंगे ग्यारह से तो तीन बार में कटेगा और चार बार में कटेगा ठीक है एसपी को यहीं पर रहने दीजिए देखिए तीन और बट्टे में वो चार यहां पर आ गया बराबर हो गया सीपी वहां पर है और एसपी यहाँ पर है तो इस तरीके से आपने तीन रुपए के सामान को कितने में बेचा है चार में बेचा है आपका लाभ कितने का होगा एक का लाभ कितने के ऊपर तीन के ऊपर एक बटे तीन कितना होता है बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर तो ये जो था हमारा बेसिक तरीका था लेकिन हमें इस बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है हमें इस सवाल में क्या लगाना है हमें लगाना है स्मार्ट अप्रोच क्या लगाना है हमें हमें लगाना इस सवाल में स्मार्ट अप्रोच कि हम स्मार्ट तरीके से सवाल को कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए कभी भी आपको लाभ या हानि हो ना तो आप जो है उस सामान की कीमत को एक रुपया मान लीजिए आपको जिस पर भी लाभ होता है जिस पर भी हानि होता है उस चीज को आपको एक रुपया मानना है आपको लाभ हो रहा है सीपी पर ना आपको लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर तो आप कॉस्ट प्राइस को एक रुपया मान लीजिए कि सर हर सामान का कॉस्ट प्राइस एक रुपए है हर सामान का खरीद मूल्य एक रुपए है तो आप बोलेंगे सर मुझे जो लाभ होगा वो कितने का होगा बताइए सर तो आपने बोला सर हमें जो लाभ हो रहा है ग्यारह समान के क्रय मूल्य के बराबर हर मीटर का दाम एक रुपए तो ग्यारह मीटर का लाभ हुआ है, मतलब ग्यारह रुपए का जो है यहां पर हमें क्या मानना है सीपी बराबर वन रुपीज़ मानना है ठीक है सीपी बराबर कितना मानना है वन रुपीज मानना है तो हमें ग्यारह मीटर के सीपी के बराबर का लाभ हुआ है यानी ग्यारह रुपए का लाभ हुआ है आपने तैतीस रुपए का सामान बेचा है या तैतीस मीटर बेचा है तो खरीदा भी तैतीस मीटर होगा एक मीटर का दाम एक रुपए तो तैतीस मीटर का दाम कितना तैतीस रुपए यानी एक ग्यारह का लाभ कितने के ऊपर तैतीस के ऊपर इंटू कर देंगे यहाँ पर सौ ग्यारह से काटेंगे तीन बार में सौ बटे तीन कितना होता है तैतीस सही एक बटे होता है करेक्ट उत्तर फिर से समझेंगे अगर हर आर्टिकल का सीपी एक रुपया है तो तैतीस आर्टिकल का सीपी कितना होगा तैतीस रुपया होगा और तैतीस आर्टिकल का एसपी कितना होगा तो बोलेंगे सर नहीं बता सकते हैं क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल के सीपी को ना एक माने हैं एसपी को कैसे बताएंगे वो नहीं बता सकते हैं एक आर्टिकल का एक रुपया दस का दस बीस का बीस पचास का पचास सौ का सौ लेकिन वो सिर्फ सीपी बता पाएंगे एसपी नहीं ठीक है जो लाभ होता है वो सीपी पर होता है इसलिए सीपी को बताया जा सकता है और यहाँ पर किया जा सकता है ठीक है तैतीस का एस पी माइनस तैतीस का cp सही लिखा है हमने आप चेक कर लीजिए आपने गलत लिखा होगा ठीक है तो जरा एक आधा सवाल जो है सीपी के बनाइए तो चलिए कोई व्यक्ति दो आर्टिकल को आठ सौ रुपए में बेचता है तो उसको पांच आर्टिकल के ठीक है पांच आर्टिकल के क्या होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइव आर्टिकल पांच आर्टिकल के सीपी के बराबर का लाभ होता है तो बताइए यहां पर उसको लाभ जो होगा वो कितने का होगा ठीक है टाइम जो होगा वो यहाँ पर कितने का होगा बताइए तो आप बोलेंगे फायदा हो, हो, तो हो, हो, हो रहा है अगर ये फायदा मूल्य पर होगा तो विक्रय मूल्य को एक रुपये मानना ये फायदा मूल्य पर है तो क्रय मूल्य को एक रुपये मानना किस पर फायदा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है तो हर आर्टिकल का कीमत एक रुपये मानो ये फर्जी चीज दिया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आठ की उसको फोकस मत करो तो बोलोगे सर लाभ का परसेंट निकालना है प्रॉफिट परसेंट ठीक है कितने का फायदा हुआ है तो पांच आर्टिकल के मूल्य के बराबर हर आर्टिकल का क्रयमूल्य एक रुपए तो पांच का दाम कितना हो जाएगा पांच रुपए ठीक है आपने बेचा कितना है दो अगर आपने बेचा दो है तो आपने खरीदा भी दो ही होगा बताइए तो पांच रुपए का सामान का फायदा हुआ दो के ऊपर तो इंटू सौ कर देंगे यहां पर दो से काटिए पचास बार में पचास इंटू पचास कितना हो जाएगा ढाई सौ परसेंट का आपको लाभ हो जाएगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ठीक है देखिए पिछला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ पिछला क्वेश्चन में बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है देखिए राधे जी जो है वो 33 मीटर का कपड़ा बेचते हैं और उनको 11 मीटर का लाभ होता है और राधे जी को जो लाभ होता है ना वो उनके क्रय मूल्य पर होता है तो हमने कहा राधे तुम एक मीटर कपड़ा कितने में खरीद के लेके आते हो तो राधे बोलता है सर एक रुपया में लेके आते हैं तो तुमको लाभ कितने का हुआ है तो सर ग्यारह मीटर के खरीद के बराबर यानी ग्यारह रुपये का लाभ हुआ है तुम सामान जो उसको बेचे हो उसको तुम खरीदे कितना में थे तो सर हम 33 मीटर उसको सामान बेचे थे तो यानी 33 मीटर हम जो है 33 रुपया में खरीद के लेके आए थे समझ गए अगर मैं 33 मीटर बेच रहा हूं तो 33 मीटर खरीद के लाऊंगा तब तो बेचूंगा खरीद के कितने में लेके आए थे तो राधे बोला सर तैतीस रुपये में फायदा तुमको कितने का मिला ग्यारह रुपये का तो ग्यारह का फायदा तैतीस के ऊपर तो कितना होता है एक वोटे ही तो होता है एक मतलब सही एक उसी तरीके से हम यहाँ पर इन जनाब से पूछें कि जनाब आप बताइए हमको आपको फायदा कितने का हुआ तो सर पांच वस्तुओं के खरीद के बराबर एक वस्तु की खरीद कितनी एक रुपए तो पांच वस्तुओं का खरीद कितना पांच रुपए मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पांच रुपए का फायदा हुआ मैंने कहा हाँ सर पांच का फायदा हुआ ठीक है फिर उसके बाद मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा लाभ ये प्रतिशत में कितने का है तो बोला सर देखो पांच रुपए का फायदा हुआ ये तो दिख गया आपको ठीक है मैंने मैंने मीटर सामान बेचा या दो दो आर्टिकल बेचे मैंने दो बेचे कहा तुम हो तो खरीद के कितने में लाए थे तो बोला सर हर वस्तु का खरीद मूल्य जो है वो तो मेरा एक रुपए है तो दो को खरीदे होंगे दो रूपये में फायदा कितने का कमाए हैं पांच रुपए का तो पांच का फायदा दो के ऊपर इंटू सो ढाई सौ परसेंट हो गया जतिन विश्वकर्मा बता दिया ठीक है क्लियर हो गया इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है बाकी जो सवाल हो गए वो एसपी के ऊपर हो गए एसपी थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है तो वो जो है मैं आपको बताऊंगा कल आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्लियर है आप लोगों की जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड करवा दिए हैं प्रॉफिट परसेंटेज की पार्ट टू की तो बाकी क्वेश्चंस कल कंटिन्यू करेंगे कल हो सके तो क्लास नहीं लगेगी हो सके तो ठीक है मुझे नहीं लगता कल क्लास हो पाएगी क्योंकि विक्रमजीत सर की कल 12 घंटे की मैराथन है उनके अपने पेड बैचेस में तो जो स्टूडियो है वो खाली नहीं रह पाएगा ठीक है तो जितने क्वेश्चंस करवाए हैं हमने उनको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से संडे को हम उसके जगह पर क्लास ले सकते हैं तो आपको उसके लिए परेशान

दें पूरी की पूरी कम से कम जो है उस थ्योरी को समझने के लिए दो घंटे तीन घंटे लगते हैं ठीक है तो जो है उसमें समय लगेगा ठीक है तो चलो कल जो है मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी आप सभी की और कल तो वैसे भी मेरा छुट्टी ही रहेगा क्योंकि जो है मेरा डीवी है कल तो मैं अपने डीवी के लिए जाऊंगा आप सभी आशीर्वाद देना बढ़िया हो जो भी हो ठीक है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे तो कल हॉलीडे है आप लोगों का मस्ती करिए खुश रहिए ऑल द बेस्ट ठीक है चलो मन लगा के पढ़ाई करो परसों मिलते हैं अपनी क्लास में ठीक है भाई लव यू ऑल मैं भूल गया था कि कल टीवी भी है <laughs> चलो